सो गाइज, आप सबको पता है कि ओप्पो की एफ सीरीज मिड रेंज सेगमेंट में काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल रहती है, स्पेशली अगर हम बात करते हैं ऑफलाइन मार्केट की। जी हाँ दोस्तों, पिछले साल एफ 17 सीरीज आई थी और इन्होंने कैमरा के ऊपर और डिज़ाइन के ऊपर काफ़ी फोकस किया था और ठीक ठाक स्मार्टफोन आपको ऑफलाइन मार्केट के हिसाब से देखने को मिले थे। लेकिन अब आने वाले हैं इनके सक्सेसर यानी कि एफ 19 सीरीज, और इसके अंदर भी आपको काफ़ी नई चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं एफ 19 सीरीज के स्मार्टफोन्स के बारे में और इनकी सभी स्पेसिफिकेशन के बारे में। तो स्वागत आप सबका हमारे चैनल पर, जानकारी के लिए वीडियो में एंड तक जुड़े रहें। और दोस्तों, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसी टेक वीडियोस मिलती रहें। तो दोस्तों, एफ 19 सीरीज के अंदर आपको तीन स्मार्टफोन देखने को मिलेंगे। इसमें एफ 19 होगा, इसका प्रो वेरियंट होगा और एक प्रो प्लस वेरियंट होने वाला है। फिलहाल F19 स्मार्टफोन के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन इसका जो प्रो वेरिएंट होगा और प्रो प्लस होगा, इन दोनों स्मार्टफोन की कंप्लीट डिटेल आ चुकी है। और पहले ये दो स्मार्टफोन ही मार्केट में लॉन्च होंगे, उसके बाद आपको थर्ड स्मार्टफोन देखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, पहले बात करते हैं इन दोनों स्मार्टफोन की स्पेक्स के बारे में, उसके बाद इनके प्राइस और लॉन्च डेट पर भी हम बात करेंगे। तो दोस्तों, F19 Pro और Pro Plus, इन दोनों स्मार्टफोन में आपको सेम साइज़ की डिस्प्ले यहाँ पे देखने को मिलेगी जो कि 6.4 इंच की होगी। अच्छी बात ये है कि ये एक एमोलेड डिस्प्ले होने वाली है और इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर का सपोर्ट आपको इसमें मिलेगा। इसके अलावा सेम डिज़ाइन यहाँ पे आपको दिया जाएगा जिसमें कि आपको लेफ्ट कॉर्नर में पंच होल मिलने वाला है। तो अगर डिस्प्ले वाइज बात करते हैं तो ओप्पो की अच्छी बात है कि आपको एमोलेड डिस्प्लेज प्रोवाइड करवाते हैं, और यहाँ पे भी आपको एक अच्छी क्वालिटी की एमोलेड डिस्प्ले डेफिनेटली मिलेगी, लेकिन यहाँ पे आपको सिर्फ 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों, यहाँ पे अगर बात करते हैं इन स्मार्टफोन्स की परफॉर्मेंस के बारे में, तो आप सबको पता है कि यहाँ पे अपनी परफॉर्मेंस के लिए स्मार्टफोन नहीं जाने जाते हैं, यहाँ पे आपको एवरेज लेवल के प्रोसेसर ही देखने को मिलते हैं। अगर इसमें हम बात करते हैं पहले एफ 19 प्रो स्मार्टफोन की, तो इसमें मीडियाटेक हीलियो P95 चिपसेट दिया गया है। इसके अलावा जो प्रो प्लस वेरिएंट होगा, वहाँ पे आपको डायमेंसिटी 800U चिपसेट देखने को मिलेगा। और अच्छी बात ये है दोस्तों कि प्रो प्लस आपको देखने को मिलेगा 5G के साथ में, और यहाँ पे 8GB तक का रैम और 128GB तक की स्टोरेज आपको दी जाएगी। अगर परफॉर्मेंस वाइज बात करते हैं तो आप इन स्मार्टफोन्स को रियलमी या फिर रेडमी वगैरह से कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि वो ऑनलाइन सेंट्रिक स्मार्टफोन है और एफ सीरीज यहाँ पे ऑफलाइन सेंट्रिक स्मार्टफोन सीरीज है। परफॉर्मेंस के बाद दोस्तों बात करें अगर इनके कैमराज के बारे में, तो डेफिनेटली ओप्पो अपने स्मार्टफोन्स में कैमरा के ऊपर फोकस करता है, और यहाँ पे भी आपको ठीक ठाक कैमरा क्वालिटी देखने को मिल जाएगी। जो F19 Pro स्मार्टफोन होगा, वहाँ पे 48 मेगापिक्सल का एक क्वाड कैमरा सेटअप आपको दिया जाएगा, जिसमें 48 मेगापिक्सल के सेंसर के साथ में 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा है, और बाकी के दो कैमरा वही 2-2 मेगापिक्सल वाले आपको मिलेंगे। अगर फ्रंट कैमरा की बात करें तो 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा इसमें दिया जाएगा। वहीं पे जो इसका प्रो प्लस वेरिएंट होगा, वहाँ पे 64 मेगापिक्सल का ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप है, जिसमें 64 मेगापिक्सल के सेंसर के साथ में 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड और 2 मेगापिक्सल डेप्थ सेंसर आपको दिया गया है। यहाँ पे आपको सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है 32 मेगापिक्सल का, जो कि डेफिनेटली अच्छी बात है। अगर बैटरी वाइज बात करते हैं तो F19 Pro में आपको 4300mAh की बैटरी मिलेगी, वहीं पे Pro Plus वेरिएंट में 4500mAh की बैटरी का सपोर्ट दिया जाएगा। और अच्छी बात यह है दोस्तों कि जो Pro Plus वेरिएंट होगा, वहाँ पे आपको 50W की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलेगा, जो कि आपको आउट ऑफ द बॉक्स मिलने वाला है। अगर कुछ एडिशनल डिटेल्स की यहाँ पे बात करें तो दोनों स्मार्टफोन में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर है, इसके अलावा 3.5mm ऑडियो जैक भी यहाँ पे दिया गया है। इनके कैमराज में आपको काफ़ी सारे AI के फीचर्स भी मिलेंगे, जिसमें पोर्ट्रेट शॉट्स वगैरह आप ले सकते हैं, और काफ़ी सारे फिल्टर आपको AI के थ्रू वहाँ पे देखने को मिलते हैं। इसके अलावा डिज़ाइन के ऊपर भी काफ़ी फोकस किया जाता है F सीरीज के स्मार्टफोन्स में, और आपको अच्छा डिज़ाइन यहाँ पे डेफिनेटली मिलेगा। अब आते हैं दोस्तों इनके प्राइसिंग पे। तो आप सबको पता है कि ओप्पो के जो ये स्मार्टफोन होते हैं, ये ऑनलाइन सेंट्रिक स्मार्टफोन से काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव आपको लगते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर बात करते हैं F19 सीरीज की, तो आप मान सकते हैं कि ये 20,000 के आसपास से स्टार्ट होगी, और जो प्रो प्लस वेरिएंट होगा वो 25,000 के बजट में आपको मिलेगा। अगर इंडिया में इन स्मार्टफोन्स के लॉन्च की हम बात करते हैं तो यहाँ पे ये 8 मार्च को आपको देखने को मिलेंगे। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ 4 दिन के बाद ही आपको ओप्पो F19 सीरीज इंडिया में मिलने वाली है, जो कि अच्छी बात है। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, आशा करता हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।